फ्रेंड्स, माय नेम इज झटपट। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्विक पनीर भुर्जी रेसिपी। फ्रेंड्स, पालक पनीर की भुर्जी की सब्जी आप पराठे या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, जिंजर, तेल, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, पनीर। पनीर हमने घर पर बनाया है, मैं इसकी रेसिपी आपको भेज दूंगा। जीरा और ड्राइड रेड चिली और पालक। पालक को हमने वॉश करके काट दिया है। इसको हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे जिससे ये टेस्टी बन जाए। अब हम तेल को डाल देंगे। पहले देख सकते हैं कि ये तेल गरम हो गया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए माय मॉम इज हेल्पिंग मी। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद हम पीसी हुई जिंजर को ऐड करेंगे। अब हमें मिर्च ऐड करनी है, ड्राई मिर्च, और हमें इसको मिक्स कर देना है। मिर्च को अच्छे से भून लीजिए। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद हमें कोरिएंडर पाउडर, और हमें इसको मिक्स कर देना है। मसालों को थोड़ी देर पकने दें। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। अब हमें पालक को थोड़ी देर मिक्स करना। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छे से पक गया है, और ये इसका पानी, आप देख सकते हैं कि ये पानी सूख गया है। अब हम इसमें टमाटर और पनीर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर टमाटर और पनीर को ढककर पकने देंगे। आप देख सकते हो कि यह कुक हो गया और कितना टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे प्लेट में निकाल के गार्निश कर देंगे। तो देखा फ्रेंड्स, कितना आसान था ये बनाना। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. Bye. Next dish ke liye taiyar rehna.